हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही खास है और बड़ा इंटरेस्टिंग भी, क्योंकि ये है सॉल्यूशन एक्सरसाइज नंबर 80 का और ये बेस्ड है रूल्स एडवर्ब से संबंधित पर और ये है आपकी सबसे फेवरेट ग्रामर की बुक टिपिकल अप्रोच टू जनरल इंग्लिश। और आपके लिए बहुत बहुत थैंक यू, आपने इसके सॉल्यूशंस को बहुत ही प्यार किया है और उन्हें शेयर भी किया है। ओके, आइए शुरू करते हैं। नंबर वन है ही सून विल गो टू आगरा। इस सेंटेंस में सून जो एडवर्ब है उसका यूज सब्जेक्ट के तुरंत बाद हुआ है हेल्पिंग वर्ब से पहले। ध्यान देंगे, जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब ये दोनों एक साथ यूज की जाए तो एडवर्ब को हमेशा बीच में लगाते हैं। तो अब हो जाएगा ही विल सून गो, वो जल्दी ही जाएगा टू आगरा, आगरा के लिए। ओके, नंबर टू, आई डियरली लव माई मदर। मैं अपनी मदर से बहुत अधिक प्रेम करता हूं, सब करते हैं। तो आई लव माई मदर, इस कंडीशन में डियरली लास्ट में आएगा, यानी कि वर्ब और ऑब्जेक्ट की भी बात। ओके, नेक्स्ट है प्लीज रिटर्न द बुक विच आई गेव यू इमीडिएटली। इसमें इमीडिएटली एडवर्ब को हम लास्ट में ले गए हैं। कैसे करेक्ट करेंगे? प्लीज रिटर्न द बुक, कृपया किताब वापस करें, विच जो कि आई इमीडिएटली मैंने तुरंत आपको दी थी। ओके, तो इमीडिएटली का यूज हम यहां पर वर्ब से पहले कर लेंगे। नेक्स्ट, इट इज नथिंग एल्स देन अ लाइ। ध्यान देंगे, नथिंग के बाद बट का यूज करेंगे, एल्स देन का नहीं। इट इज नथिंग बट अ लाइ, ये कुछ भी नहीं है सिवाय एक झूठ के, है ना? इंटरेस्टिंग। नंबर फाइव देखेंगे, दिस रूम इज इनफ लार्ज फॉर हिम। याद रखेंगे रूल, कभी भी इनफ लार्ज नहीं, हमेशा लार्ज एनफ का यूज होता है। दिस रूम इज लार्ज एनफ फॉर हिम, ये कमरा उसके लिए पर्याप्त रूप से बड़ा है। आई ओनली लाइक हिम, मैं उसे पसंद करता हूं केवल तभी, व्हेन ही इज गुड टेम्पर्ड। इस कंडीशन में ओनली सबसे पहले आता है बिकॉज ये आई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओनली आई, केवल मैं, लाइक हिम, पसंद करता हूं उसे, व्हेन, जब ही इज गुड टेम्पर्ड, जब वो अच्छे मूड में होता है, यानी कि शांत स्वभाव। आई एम टू टायर्ड नहीं होगा, आई एम वेरी मच टायर्ड होगा। ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ध्यान देंगे, इस कंडीशन में या तो एडवर्ब टू का यूज करेंगे या फिर कैन नॉट का करेंगे। तो हम केवल छोटा सा चेंज करेंगे, ही सो वीक, वह इतना कमजोर, दैट ही कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता, या फिर ही इज टू वीक टू वॉक। ओके, आई हैव सीन नेवर सच अ गुड साइट। ध्यान देंगे, एडवर्ब हमेशा जब दो वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, तो बीच में आएगा, यह नेवर सीन हमने सच अ गुड साइट, मैंने इतना अच्छा दृश्य पहले कभी नहीं देखा, है ना अमेजिंग। नंबर टेन है आई एम टू ग्लैड टू सी यू। इस कंडीशन में है मैं बहुत खुश हूं, तो टू की जगह पर वेरी, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। नंबर 11, द ईयर इज वेरी बेटर टूडे देन स्टरडे। ध्यान दें, यहां पर कॉम्परेटिव डिग्री है, इसलिए यहां पर मच का यूज होगा, वेरी की जगह पर, बाकी सारा सेम रहेगा। शी वेंट डायरेक्टली टू हर हाउस। डायरेक्टली का मतलब होता है इमीडिएटली और डायरेक्ट का मतलब होता है स्ट्रेट। तो यहां पर हम कहेंगे शी वेंट डायरेक्ट टू हर हाउस, वो सीधे अपने घर गई, वह सीधे अपने घर गई। वी वेर एट लखनऊ, हम लखनऊ में थे। अ वीक बिफोर, पास्ट टेंस है, हमेशा बिफोर की जगह पर हम एबो का यूज करेंगे। हम लखनऊ में थे कब? एक हफ्ते पहले। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दें, द बॉय वर्क्स हार्डली। पहली बात तो वर्ब के बाद अगर आता तो हार्ड आता, कठिन परिश्रम करना। हार्ड भी एडवर्ब है और हार्डली भी एडवर्ब है, दोनों में अंतर ये है। हार्ड का मतलब है कठिन परिश्रम करना, हार्ड का मीनिंग है कठिन, यानी कि कठिन परिश्रम करना। हार्डली का अर्थ है बड़ी मुश्किल से ही परिश्रम करना, ये नेगेटिव है। तो ये द बॉय हार्डली वर्क्स, लड़का कठिनाई से ही काम करता है, बमुश्किल ही काम करता है, तो ये वर्ब से पहले आएगा, है ना मेसी। आइए नंबर 15 को देखते हैं, द वॉटर इज वेरी कोल्ड टू ड्रिंक। पानी बहुत ठंडा है पीने के लिहाज से,
बट हम यूज करेंगे इसमें एडवर्ब टू, द वाटर इज टू कोल्ड टू ड्रिंक. नेक्स्ट, ही ड्रिंक्स अ कप ऑफ टी बाय एंड बाय, इसकी जगह यूज करेंगे ही ड्रिंक्स अ कप ऑफ टी लिटिल बाय लिटिल, वह चाय का कप थोड़ा थोड़ा करके पीता है. सुनील केम हियर, सुनील यहां आया पास्ट टेंस है, फाइव ईयर्स बिफोर, पहले सुनील केम हियर फाइव ईयर्स बिफोर की जगह पर हम पास्ट टेंस में एगो का यूज करेंगे. साइंस इज ए मच डिफिकल्ट सब्जेक्ट, ध्यान देंगे यहां पर मच की जगह पर वेरी डिफिकल्ट, साइंस इज अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, क्योंकि वेरी का यूज हम पॉजिटिव डिग्री में करते हैं ओके, और मच का कॉम्पेरेटिव. द बॉय इज वेरी पुअर टू पे हिज ड्यूज, द बॉय इज टू पुअर टू पे हिज ड्यूज, यहां पर एडवर्ब टू लगाएंगे बिकॉज एक इंफिनिटिव पहले से यूज किया हुआ है, हमें यहां पर एडवर्ब लगा देना है. तो टू पुअर टू पे हिज ड्यूज. माई ब्रदर इज वेरी टॉलर देन आई, यहां पर वेरी का यूज हो गया जबकि डिग्री है कॉम्पेरेटिव, तो वेरी हटाएंगे मच. My brother is much taller than I. पर 21 देखेंगे, he will finish his work just now. यहाँ पर just now की जगह हम shortly use करेंगे. He will finish his work shortly. वह अपना काम जल्दी ही समाप्त कर लेगा. He met me in the market a few hours before. बहुत ध्यान रखें, past tense में हमेशा ego का use करेंगे. तो he met me, वो मुझे मिला in the market बाजार में a few hours ago, कुछ घंटे पहले. नेक्स्ट है, ही बॉट अ हॉर्स सिंस टू मंथ्स, यहां भी ध्यान देंगे सिंस ऑफ फॉर का यूज परफेक्ट कंटिन्यूअस में करते हैं. तो ही बॉट अ हॉर्स टू मंथ्स, या तो सिंस बाद में ले जाएंगे और हो सकेगा तो सिंस की जगह पर हम एगो का यूज करेंगे. ही हैड सीन मी इमीडिएटली, यहां इमीडिएटली की जगह हम जस्ट नाउ का यूज करेंगे. परफेक्ट टेंस में जस्ट नाउ का यूज करते हैं. He has seen me just now. Last है 25. The dog bit the child 2 days before. Past tense है. The dog bit the child 2 days ago. So friends, ये था solution exercise number 80 का. कैसा लगा? अच्छा लगा तो like करें, share करें, subscribe करें. संजीव गोस्वामी अपना सबसे favorite educational channel. Bye.